कांदिवली परिसर में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मनाया गया महाकवि विद्यापति समारोह। इस समारोह की विशेषता यह थी कि हर वर्ष सभी पार्टियों ने इस कार्यक्रम की सराहना की और खुद जमकर सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का स्वागत खुद सुरभि ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अशोक सिन्हा जी और सुधीर मिश्रा जी ने अपने हाथों द्वारा किया। कार्यक्रम में डीपी चौधरी जी ने बिहार वासियों के लिए बिहार से आए हुए कैंसर पीड़ितों के लिए 3 एकड़ में बिहार भवन बनाने के लिए जमीन देने का भी ऐलान किया। यहाँ के एक्चुअल में बॉम्बे में बिहार से बहुत लोग आते हैं, उसमें खास करके कैंसर पेशेंट जिनके रहने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं होता है, उनको फुटपाथ पे रहना पड़ता है। एक पहली समस्या है। दूसरी समस्या जो है वो है कि यहाँ पे शादी ब्याह जो परंपरागत रूप में होता है वो आज लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जगह की कमी है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ बिहार के जो भी लोग हैं वो वहाँ पे अपनी परंपरा के हिसाब से अपना शादी विवाह जनेऊ जो भी कार्यक्रम उस कार्यक्रम को कर सके। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग एक बिहार भवन बना रहे हैं जहाँ सबको उनकी ज़रूरत के हिसाब से सब साधन मिल सके। तो अब हमारी ज़रूरत भी बदल गई है। ज़रूरत हमारी जो बदल गई है उस बदली हुई ज़रूरत को ध्यान में रख करके अकेला चना भार नहीं पड़ता, विचार सबका सबसे नहीं मिलता है, हमारे साथ तो हमारा समाज है लेकिन सौभाग्यवश हमारे विचार सिन्हा जी से बहुत मिलते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि भाई चलो अब हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हमारे समाज को हमारे होने का एहसास हो और लगे कि नहीं भाई ये हमारे समाज के लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उसी में ये एक कड़ी है, सिन्हा जी ने सुझाव दिया कि बिहार के लिए बिहार भवन होना चाहिए। मुंबई शहर काफ़ी महंगा है, यहाँ उतनी बड़ी ज़मीन संभव नहीं है और सौभाग्यवश मैं शाहपुर में ज़मीन का काम करता हूँ, हम लोग टाउनशिप डेवलप करते हैं, वहाँ हमारी ज़मीनें हैं तो हम पहले से ही मंदिर बनी हुई है, भोजनशाला बनी हुई है, तो सोचा गया कि क्यों ना उस परिसर में एक भव्य भवन का निर्माण किया जाए और वहाँ हमारे समाज के लोग आए और उसका हर तरह से फ़ायदा उठाएं, चाहे वो विवाह का समय हो या हर ऐसे समय जबकि दो पाँच दिन दस दिन समाज के लोग अपने 10 परिवार के साथ कहीं रहना चाहते हैं और शादी ब्याह में ही यहाँ लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं लेकिन हम यहाँ एक फ्लैट में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार को भी उसमें समा नहीं सकते हैं, होटल में उनको रख नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा जगह हो जो मुंबई के नज़दीक हो और वहाँ पर में हम 100-200 लोग 5 दिन 10 दिन रह सकते हैं और हमारी कैपेसिटी के हिसाब से भी हम बढ़िया से वहाँ अपना काम कर सकते हैं, ऐसा जगह ध्यान में रख करके सौभाग्यवश सिन्हा जी ने चर्चा किया, मैं बोला ठीक है। वहीं उत्तर मुंबई के खासदार गोपाल शेट्टी ने भी इस बात की सराहना की और सहयोग देने की बात कही। मुंबई के कांदिवली परिसर में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मनाया गया महाकवि विद्यापति का समारोह। इस कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि बिहार से आए हुए कैंसर पीड़ितों के लिए 3 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। वहीं उत्तर मुंबई के खासदार गोपाल शेट्टी ने भी इस बात की सराहना की। कैमरा पर्सन आनंद गौड़ के साथ ज्योति पाठक, द टाइम्स 24x7 न्यूज़, मुंबई।